अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल इन्फो विद रोहेल इंतखाब। नाज़रीन, आपके सामने फिर हाउसिंग सोसाइटी की बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान ने एक बार फिर ये बात कही है कि गरीब आदमी को वो सस्ते कर्जे फरहम करेंगे। एक बार फिर उन्होंने एक जगह तकरीब की और आज ये खबर हमारे सामने आई है। प्राइम मिनिस्टर दोबारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बार बार बात कर रहे हैं, वो उनको बूस्ट दे रहे हैं कि जी आप जो है इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कीजिए और लोगों को जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ बना कर दीजिए, बिल्डिंग्स बना कर दीजिए, प्लाजा बना कर दीजिए। और जो गरीब आवाम है वो हमेशा गरीब आवाम की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा है कि गरीब आवाम को वो घर फराहम करना चाहते हैं। जिनके पास लाखों रुपया नहीं है तो वो मुख्तलिफ बैंक से राबता करें। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट निकाले हैं अपने बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि लोगों को कर्जा दिया जाए जिसका इंटरेस्ट बहुत कम है। इंटरेस्ट समझ लीजिए कि ऐसा है कि वो बैंक की फ़ीस के मुताबिक है। मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी गई हैं। जो मैंने पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर का कामयाब जवान प्रोग्राम हो गया और दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से प्रोग्राम हो गए और एक बड़ा अच्छा नाज़रीन पैकेज है। आप लोग प्लीज़ जो उनकी वेबसाइट पर जाइए, विज़िट कीजिए और उन्होंने पूरी कैटेगरी रखी हुई है, उसके फॉर्म को डाउनलोड कीजिए। जो मुतालिका बैंकिंग उन्होंने अपने साथ इंगेजमेंट रखे हुए, वो बैंक्स के नाम रखे हुए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे तफसीलात हासिल कीजिए। और आप अगर तनख्वाहदार हैं, आपकी सैलरी आ रही है तो भी आप घर बना सकते हैं। और बड़ा आसान ये तरीक़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने निकाला है, तो आप लोग इस पर वर्किंग शुरू कीजिए। और कब तक किराया देते रहेंगे? अपनी छत की ख्वाहिश सबको होती है और रब्बुल इज़्ज़त जिनके मकानात नहीं हैं और जिनके कच्चे मकानात हैं उनके लिए जो है मुसीबतें उनकी हल हों। थोड़ा सा आप लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। इस तरह के पैकेजेस और इस तरह के जो प्रोडक्ट प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेकर आ रही है उस पर आपको स्टडी करनी होगी और आपने जो है उस पर काम करना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि पिछले माह FVR ने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया है अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सनअत रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है जिसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, अगर आप निकले शहर क़ायद की बात करें तो आपको मुख्तलिफ नौयत के प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे और मेगा प्रोजेक्ट्स। एक तो आपके सामने है सुपर हाईवे के बाद, वो क्या उन्होंने मेगा सिटी बना दिया है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। पिछली बारिशों के बाद तो ऐसा लग रहा था कि वाकई आप किसी यूरोप में घूम रहे हैं, क्योंकि दीगर जगहों पर पानी था और उनके उनकी सोसाइटी में पानी नहीं आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि इट्स मीन के फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है। काम असल में काम प्रोजेक्ट का तभी पता लगता है जब उसकी बेस या फाउंडेशन अच्छी हो। तो आप जो ये फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो जहाँ पर काम हुआ है, खुसूसन सेवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप देखो कि ये वो जगहें ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि शहर अब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता जा रहा है। हमें शहर को थोड़ा सा फैलाना होगा और बहुत ज़रूरी है और रिक्वायरमेंट है। हमें आने वाले कुछ सालों में अपने शहर को बहुत एक्सपेंड करना होगा जिस पर मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लोग जो है बैठ कर वो बिज़नेस भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और लोगों के लिए सस्ता हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिछले साल भी मैंने देखा कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की थी इन तमाम तर मुतालिका लोगों से और उनसे मुशावरत भी मांगी थी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे प्राइम मिनिस्टर की लगती है, वो एक अलग बहस है कि इनकी गवर्नमेंट में महंगाई हो गई है, ये लोगों को इन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचा दिया है, लोगों की राय ये है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एक बात अच्छी है कि वो लोगों से मुशावरत करते हैं और हर उस बिज़नेस मैन से मुशावरत करें जिसको वो समझते हैं जो पाकिस्तान की फल और बहबूद के लिए काम कर सकता है। खबर यह है कि नाज़रीन मैं आपको सामने रखूँ कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कच्ची आबादी पर तामीरात करनी है, उनको जो कच्ची आबादियां हैं उनके लिए वो चाह रहे हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा अपार्टमेंट या प्लाजा बना दें ताकि वो वहां पर रहना शुरू कर दें। और नया हाउसिंग सोसाइटी के नाम से या इस तरह से जो वजीर आजम के अपने जो उनका एजेंडा है गवर्नमेंट स्टार्ट करने से पहले और अभी भी है, वो उसको देखते हुए करें। कर्ज़े की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, इंटरनेशनल इदारों से वो लोन भी ले रहे हैं और वो पाकिस्तान में जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। बड़े बोर्ड्स में हमारे पास चाइना ऑन बोर्ड है, जो CPAC की वजह से सारा जो है इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आ रही है और CPAC में भी ये काम जारी है। वज़ीर आज़म ने बताया कि बंडल आइलैंड के लिए सिंध हुकूमत से भी वो मुशावरत कर रहे हैं और मुशावरत भी जारी है। इस जज़ीरे पर तामीरात से बैरून मुल्क से पैसा आएगा जो पाकिस्तान के इकॉनमी के लिए अच्छा रहेगा और डॉलर्स के ज़रिए मुबादले में इजाफा होगा, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, और हमारा रुपया जो मजबूत होगा जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, हमें अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग और इस्टेब्लिश करना है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में दो नए डैम्स बन रहे हैं और जिससे ज़रात को फ़ायदा होगा, चीन के साथ मिलकर नया रेलवे निज़ाम भी बना रहे हैं और रेलवे निज़ाम को भी बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। और साथ साथ ये बताएँ कि डैम्स की बहुत अच्छा ज़रूरत है, डैम्स बनेंगे तो आपके किसी हद तक मसाइल
हल होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, शेयर करने में कोई टैक्सेशन नहीं है आप लोगों की। और हमारा चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, REDBOX TV के नाम से हमारा चैनल है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।